नमस्ते। और आज है शनिवार, आज है शनिवार और अब है दोपहर का टाइम है। मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं आलू बना रही हूँ, आलू और कस्ता पूरी। हाँ फ्रेंड, प्लीज आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें और लाइक करके जरूर जाया करें कि आपका एक लाइक तो बनता है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे आलू आटा, मैं पहले आटा लगा के रख दे रही हूँ क्योंकि आटा लगा के रख देते थोड़ा अच्छी रोटियाँ, सॉरी रोटियाँ पूड़ियाँ जो भी बनाओ अच्छी बनती हैं। तो मैंने ये आटा लिया है, मैं इसे छान जरूर लूँगी क्योंकि पता नहीं आटे में क्या होता है क्या नहीं। और मैं इसमें सूजी और डालूँगी क्योंकि मुझे खस्ता पूड़ी बनानी है, इसलिए ये मैं आधा कटोरी सूजी ले रही हूँ। सूजी भी ले ली है और इसे मिक्स कर लूंगी और इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक। नमक तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, मेरे बच्चों को नमक अच्छा लगता है। और डालूंगी इसमें थोड़ी सी अजवाइन, और इसे भूज लूंगी। चलो इसमें भूज लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कैसे भूजा। इसे मैं भूज लेती हूँ। हाँ फ्रेंड, ये थोड़ा आटा टाइट गूंथना है, अगर आप सॉफ्ट गूंथोगे तो पूड़ियाँ इतनी अच्छी इतनी करारी नहीं बनेंगी, तो ये टाइट ही रखना है। और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के अच्छी तरीके से गूंथना है इसे। ये आटा गूंथ चुका है और इसे हम अच्छी तरीके से कवर करके रख देंगे। और जब तक हम ये रखा रहेगा और हम अपनी सब्जी बना लें, जब तक मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसे गर्म होने का इंतजार करते हैं। प्योर गर्म हो गया है, मैं खीरा डाल दूंगी और ये पत्ते तेज पत्ता और ये मैंने काली मिर्च ली हुई है 5 से, ये डाल दूंगी। उसके बाद ये लहसुन, अदरक को भी डाल दूंगी। और मैंने सभी को पेस्ट नहीं बनाया है, सभी को कट किया है। और इसके बाद प्याज, और ये अच्छी तरीके से चलाएंगे। इन्हें ब्राउन में कब भुनेंगे। प्याज लगभग भून गई है, अब इसमें हम ये प्याज मिर्ची हैं जो मैंने की रेड वाली मिर्ची ली है उन्हें भी डाल देंगे। मैं जब आलू की सब्जी बनाती हूँ पूड़ियों के साथ तो मैं रेड मिर्ची भी डालती हूँ।
इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है और स्वाद भी चेंज होता है थोड़ा। ये अब इसमें हम हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डालेंगे और मैं धनिया थोड़ा ज्यादा ही डालती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी, इससे कि मसाला ना जले क्योंकि सूखा मसाला बहुत जल्दी जलता है। नमक, उसके बाद मैं इसमें अमचूर डालूंगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी को। थोड़ा पानी और डालेंगे इसे पकाने के लिए। मसाला तो भून चुका है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू गरम है थोड़े, हाँ जल रहा है इतने गर्म आलू है। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आलू को फोड़ देंगे। इसमें मसाला मिल चुका है आलूओं में, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके रख देंगे और 10 मिनट ऐसे पकाएंगे। हमारी सब्जी बन चुकी है, बस इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला मिलाना है और इसके साथ हमें मिलाना है, मिलानी है अपने कसूरी मेथी। और गैस को बंद कर देना है और इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। हमारी सब्जी तैयार है, इसे कवर कर देते हैं और अपनी अब पूड़ियाँ बनाते हैं। हमने अपना ऑयल गर्म करने रख दिया है और मैं आटे के पेड़े बना लेती हूँ। ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं। मैं सारे आटे के पेड़े बना लेती हूँ, सब आटा गर्म होता है। सॉरी आटा नहीं, ऑयल गर्म होता है, सब पेड़े बना लेती हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम पूड़ी बनाते हैं। सबसे पहले मैं छोटी पूड़ी बनाती हूँ हमेशा। मुझे ये बनाना अच्छा भी लगता है।
मेरी सास कहती है ऐसे जल्द रखना चाहिए, इसलिए मैं रखती हूँ। हाँ फ्रेंड प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये थोड़ी मैंने मोटी मोटी बेली हुई हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती हैं ये वाली पूड़ियाँ, और इन्हें कड़क सेकेंगे। देखो ये अब अच्छी, ये वाली पूड़ियाँ सारी अच्छी तरीके से सिक गई हैं, और इन्हें निकाल लेंगे और बाकी सभी पूड़ियों को इसी तरह ही सेक लेंगे। सारी पूड़ियाँ सेक चुकी हैं, अब हम खाने के लिए तैयार हैं। इसको है ना बीच में से इन्हें इस तरह करके फोड़ के, सॉरी, और इनके बीच में हमें आलू की सब्जी भरनी है। दही, अगर आप प्याज खाते हो कच्चा तो कच्चा प्याज और हरी मिर्ची डाल सकते हो, पर मैं मेरे घर में नहीं खाते इसलिए नहीं डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला। हमारी पूरी सब्जी तैयार है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज ये जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।